Assalamualaikum, मेरा नाम है रुमान और आप देख रहे हैं कार एलेंट यामाहा YBR 2022 रिलीज हो गया है और आज एक बड़ी खंडर टाइप जगह पे मेरे पास खड़ा है, लेकिन ये है जी जिसकी हाइप थी यामाहा YBR 2022 जिसका आप लोग इतना ज्यादा इंतजार कर रहे थे। यामाहा ने सेम होंडा वाला रूट अपनाया और उन्होंने भी अब स्टिकर्स की गेम चला दी है और बस अब इसमें यही हुआ है कि स्टिकर चेंज हुए हैं और जिसमें अभी ये ब्लैक और ब्लू और रेड का कॉम्बो बन गया। मेन ये डिफरेंस आया पिछले वाले मॉडल से, बाकी पूरा बाइक वही है, हर चीज वही है, इंजन वगैरह सब चीजें, बस प्राइस थोड़ी ज्यादा हुई है, 232,000 रुपए का YBR 125G अब हो गया। लेकिन इसमें जो दूसरा कलर आया मैट ग्रीन वाला वो बहुत ही गंदा है और थोड़ा हार्श हो गया हूं मैं, लेकिन वो कलर इतना ज्यादा मजे का नहीं है और वो मैट कलर है और उसके साथ ग्रीन जो एक्सेंट्स हैं वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे, तो ये कलर काफी मजे का है। लेकिन जो इससे पीछे वाला था 2022 मॉडल वो ज्यादा अपीलिंग था इस वाले से और वो लाइब्रेरी भी बहुत ज्यादा अच्छी थी, लाइब्रेरी मतलब जो इसके ऊपर स्टिकर्स लगे हुए हैं, तो वो ब्लैक और नियॉन ग्रीन बहुत मजे का लग रहा था। ये वाला इतना खास नहीं लग रहा, ये थोड़ा सा डल हो गया मेरे मुताबिक, बाकी आप लोगों को तो जुनून होता है कि नई चीज है उसका स्टिकर चेंज हो बस भाग्य वो लेनी है, लेकिन है इसमें बाकी और कोई चेंजेस नहीं किए गए, सेम वही 125cc इंजन है और एयर कूल्ड इंजन जो कि 10 हॉर्स पावर 9.8 न्यूटन मीटर टॉर्क बनाता है, सेम वही ओडोमीटर है और बाकी आपकी जो मीटर की एक्सेसरीज आती थी वही चीजें हैं और इसमें ऐसे कोई चेंजेस नहीं किए गए। बाकी YBR की आपको मैं थोड़ी सी इसकी जो अच्छी और बुरी बातें हैं वो बता देता हूँ, क्योंकि इसके ऊपर एक डिटेल रिव्यू पहले मेरा पड़ा हुआ है जो स्पेक शीट जिसमें मैंने सारी बताई थी। सबसे पहले चलते हैं इसकी जो खामियां हमको डिस्कस करते हैं, फिर इसके अच्छे पॉइंट्स तरफ आएंगे और फिर इसके ऊपर अभी हमने सिरेमिक कोटिंग भी की है तो थोड़ा बहुत उसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो YBR में मेन जो आती थी जिस वजह से लोग ये सेलिंग पॉइंट था इसका से ले रहे थे 125 से ज्यादा इसे पसंद कर रहे थे, एक तो इसकी लुक्स थी वो तो अभी तक बरकरार है, लेकिन दूसरी चीज इसकी क्वालिटी थी, ये काफी रोबस्ट बाइक था और ये लॉन्ग टूर्स के लिए लोग इसे बहुत ज्यादा पसंद करते थे, इसकी सस्पेंशन बहुत अच्छी थी और लोगों को ये कम्फर्टेबल बहुत ज्यादा लगता था, लेकिन अब इसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा गिरा दी गई है जब से ये चीजें पाकिस्तान में असेंबल होना शुरू हुई है, एक एक करके हर चीज की क्वालिटी गिर गई है। सबसे पहले इसका जो पेंट था पेंट बहुत ही लो क्वालिटी का हो गया था, लेकिन अब मजीद उसको थोड़ा गिरा दिया गया क्योंकि ये जो बाइक स्पेसिफिकली ये भाई को मिला था ये यहाँ से रीपेंटेड था टैंक से, तो इसको हमने इसके ऊपर पेंट करेक्शन की है। जेन्युइन बाइक जो कि कंपनी की आउटलेट से लिया गया वो रीपेंटेड था। दूसरी चीज इसके अंदर कि जैसे मैं बता रहा था इसकी क्वालिटी की है, तो इसके जो साइड स्कूप थे ये काफी अच्छी क्वालिटी की हुआ करती थी, इवन मेरे पास भी वाई भी आ रहा है तो 2-3 बार मैंने गिराया भी है, मेरे भाई से भी गिरा, लेकिन स्कूप्स में स्टिकर्स फटे हैं लेकिन वो नहीं टूटे अभी तक। लेकिन जो हमारा एक पाकिस्तान में जनरल क्वालिटी टेस्ट होता है ये वाला, ये ऐसे अगर मैं इसे थोड़ा सा जोर से मारूंगा तो इसमें क्रैक आ जाएगा, ये टूट जाएगा, तो बेसिकली इनकी क्वालिटी बहुत ही ज्यादा लो हो गई है और ये अब उतना ज्यादा अच्छी बिल्ड क्वालिटी इसकी फील नहीं होती। प्लस जो तीसरी चीज थी कि इसका साउंड वो नहीं पसंद आता बहुत सारे लोगों को, मुझे भी इवन ये साउंड नहीं पसंद, इसमें आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट आती हैं लेकिन वो फजूल के लाउड है और वो इतने ज्यादा मजे की नहीं है, वो इतनी बेसी साउंड नहीं है। उसके बाद एक चीज के जो इसके इंडिकेटर्स हैं, ये अगर 232,000 रुपए एक बंदा दे रहा है किसी चीज के किसी प्रोडक्ट के, तो ये इंडिकेटर्स कम अज कम ये हैलोजन की जगह LED हो सकते थे, आवाम को एक अच्छा पैकेज मिल जाता है इनके लिए, एक अच्छी एडिशन हो जाती कि नए मॉडल में एटलीस्ट इंडिकेटर ही चेंज किए गए हैं। फिर ये इसका जो मीटर है कुछ जगहों पे इशू आ रहा है कि इसके अंदर पानी चला जाता है, तो ये कुछ चीजें हैं जहां पे क्वालिटी लैक कर रही है, बेसिक क्वालिटी का इशू है, बाकी एक अच्छा डेली ड्राइवर है और इसकी ग्राउंड क्लियरेंस बहुत अच्छी है 145 mm, इसकी राइड हाइट बहुत अच्छी है 785 mm, मैं 5'9" हूं, आराम से पांव नीचे लगते हैं, बहुत अच्छी स्पोर्टी लुक्स है, यंग लड़कों के लिए खासतौर पर बहुत ज्यादा अपीलिंग है। इसकी अब मार्केट में एसेसरीज बहुत ज्यादा है, आप इसे अपनी टेस्ट के मुताबिक कस्टमाइज कर सकते हैं। उसके बाद इसमें जो एक मेन चीज जो मुझे बहुत पसंद है, इसका इंजन बहुत अच्छी क्वालिटी का है, इसके इंजन जो है वो 125cc है, 10 हॉर्स पावर और 10 न्यूटन मीटर टॉर्क जो राउंड ऑफ करके बनती है, लेकिन थोड़ा सा इसका वेट ज्यादा है, 138 kg का 125 से थोड़ा सा वेट ज्यादा है, तो जो शॉर्ट बर्स्ट होते हैं जो स्टार्टिंग के जो RPM होते हैं जो लो गियर्स होते हैं उनमें 125 से आगे निकल जाता है, लेकिन ये है कि ये इंजन
इसको मेंटेनेंस 1-5 से कम रिक्वायर्ड है, ये बहुत ज्यादा चल जाता है, 2,000-2,500 किलोमीटर बाद ही लोग इसकी ट्यूनिंग कराते हैं और अच्छा चलता है ये। लेकिन अभी मैं देख रहा होता हूँ कि बहुत सारी कंप्लेंट आती हैं कि ये 90 के बाद 90 क्रॉस नहीं करता, 90 तक मुश्किल से जाता है, वो लोग मेंटेन इसको उस तरह नहीं करते। तो बाकी इंजन बहुत अच्छा है, सॉलिड बिल्ड क्वालिटी है, बाकी ओवरऑल जो है इसकी लुक्स बहुत अपीलिंग है, अच्छी इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है और ये एक कंप्लीट पैकेज है। हाँ, पहले मैं जो इसकी पहले प्राइस थी इसकी 2,15,000 रुपए तक, तब आप किसी को भी कह सकते थे ये फौरन से जाके ले ले, 2,50,000 रुपए की प्राइस में बहुत अच्छा बाइक है डेली के लिए। लेकिन अब जो इसकी प्राइस रेंज बन रही है उस हिसाब से ये काफी महंगा होता जा रहा है, उसमें आपको इतनी कोई अच्छी क्वालिटी की चीजें नहीं मिल रही। सबसे पहली चीज कि इसमें आपके पास जो मड गार्ड आती है ये मड गार्ड बहुत छोटी है, ये कीचड़ बहुत ज्यादा फेंकता है, पीछे से भी बहुत ज्यादा कीचड़ आता है, तो स्पोर्टी डिजाइन की वजह से कुछ चीजों पे कॉम्प्रोमाइज होता जा रहा है। लेकिन फिर भी ये बाकी जो इसमें 1-5 अवेलेबल है और उनका जो 1-5F है उससे बहुत ज्यादा बेहतर है, फ्यूल इकोनॉमी भी बहुत अच्छी है और एक कंफर्टेबल राइड है, बाकी छोटी मोटी चीजें लगी रहती हैं। तो अभी इसके बाद फिर हम देखेंगे जो मैट ग्रीन वाला है वो मेरे पास आया, तो इंशाल्लाह मैं उसकी भी वीडियो बना के लगाऊंगा। वो कलर मुझे को इतना ज्यादा पसंद नहीं है, ना आवाम को इतना पसंद आया, मैट ब्लैक होता तो बहुत अच्छा लगता, अभी वो बड़ा डल सा कलर लगता है और ऐसे अक्सर मैं कमेंट्स पढ़ा था, कहते लोग कैसे कलर लगा के तो छोड़ दिया। तो लाइव देखने में वो चेक करें कैसा फील होता है और उसकी भी फिर एक वीडियो बनाएंगे। बाकी इसके अंदर कोई चेंज नहीं किया गया एक मतलब इंच का भी, तो ये है कि बाकी सेम स्विच असेंबली है, वही आपके पास मिरर्स हैं, वही 35 वाट के दो लैंप्स हैं और कुछ भी नहीं चेंज किया गया। अभी ये है कि इसके थोड़े से मैं आपको क्लोजअप दिखा देता हूँ, आपने पहले भी देखे होंगे, और फिर इस वीडियो को एंड करते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया करें, दोस्तों के साथ जरूर शेयर किया करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।